हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो दोस्तों आज ये प्रतिहार का चौथा वीडियो है तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आते हैं प्रतिहार से ये सभी वीडियो आप देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाए और आप नहीं बनाएं तो दोस्तों एक और वीडियो बनाएंगे प्रत्यहार से ही जो लगभग सभी टॉपिक को कवर कर लिए कर जाएंगे तो इस इन सभी क्वेश्चनों को देख के पढ़ लेंगे आप उसमें से सबका सब क्वेश्चन सब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप बना सकते हैं एक भी आपका प्रत्याहार से नहीं छूटेगा तो इस वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है उष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित किए गए हैं तो दोस्तों जो उष्मण है चार तालबिश्वर्धं दंस्व और ह है तो ये किस प्रत्यहार के अंतर्गत समाहित किए गए हैं तो देखिए इसका आंसर होगा सल प्रत्यहार ऑप्शन नंबर बी सल प्रत्यहार सो सर हल हल हलन हट जाएगा उधर ल का हलंत सर रॉ हटेगा और तालब सर, सर, हो आएगा तो इक्कीसवा क्वेश्चन है सल प्रत्यहार कितने महेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है तो सल प्रत्यहार में कितने महेश्वर सूत्र लगे हैं तो देखिये सो, सो सर हल हुल। हल दो सूत्र लगे हैं तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दो सूत्र तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दो सूत्र अब है सल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं ताराम से सल में वर्ण कितने चार तो इसमें कितने वर्ण आएंगे चार तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चार तो इसमें है सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं सल प्रत्यार में उस वर्ण आएंगे तो उस वर्ण कौन कौन सा है तालबे सौ मृदान सौ धन सौ तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौबीसवा क्वेश्चन है अंतअस्त वर्ण किस प्रतिहार के अंतर्गत गिने जाते हैं वर्ण तो इसका आंसर हो जाएगा यो, यो। तो पहला ऑप्शन है सल प्रत्यहार यन प्रतिहार, जस प्रतिहार और यत्यहार तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यन प्रतिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यन प्रत्यहार पच्चीसवा क्वेश्चन है य व र ल इन वर्णों की गणना किस प्रत्यहार के अंतर्गत की जाती है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है यल प्रत्यहार य प्रत्यहार यन प्रत्यहार यर प्रत्यहार तो इसका आंसर होगा यन प्रत्यहार ऑप्शन नंबर सी पच्चीस का ऑप्शन नंबर सी यल प्रत्यहार छब्बीसवा क्वेश्चन है यन प्रत्यहार कितने महेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है यन प्रत्यहार कितने महेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दो प्रत्यहार सत्ताइसवा क्वेश्चन है हय और लन इन दो महेश्वर सूत्रों में कौन सा प्रत्याहार बनता है तो हय और लन इन दो महेश्वर सूत्रों में से कौन सा प्रत्याहार बनेगा हाँ और नौ. तो क्या होगा या तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यन प्रत्याहार। ऑप्शन नंबर सी यन प्रत्यहार अट्ठाईसवां क्वेश्चन है महेश्वर सूत्र के अंत में जो हलंत वर्ण है अण क इनका क्या प्रयोजन है तो इसका प्रयोजन क्या है प्रत्याहार बनाना क्योंकि एक संज्ञक वर्ण है ये सभी इन सब को वर्ण वर्ण में नहीं गिने जाते हैं इसलिए इसका क्या कम है प्रत्याहार बनाएगा ये तो ऑप्शन नंबर डी अट्ठाइस का ऑप्शन नंबर डी प्रत्यहार बनाना उन्तीसवा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है अर्थात तो निम्न में से कौन सा प्रत्याहार? मतलब ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जिसमें सबसे अधिक वर्ण आते हैं तो इसका क्या आंसर होगा ऑप्शन है ए हल बी हल सी एच डी ए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हल प्रत्याहार। तीसवा क्वेश्चन है किस प्रत्याहार में सभी स्वर व्यंजन वर्ण आते हैं तो सभी स्वर व्यंजन किसमें आएंगे प्रत्यहार में ही तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल प्रत्यहार नेक्स्ट क्वेश्चन है इकतीसवा प्रत्यहार में कुल कितने वर्ण आते हैं तो अनप्रत्यहार में कुल कितने वर्ण आएंगे तो ओ आए ओन तो ऑन एक सूत्र है तो इसमें तीन वर्ण आएंगे नौ को छोड़ के तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओ बत्तीसवा क्वेश्चन है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं अक ऑन रीलिरिक तो इसका आंसर होगा ऑ री लिरी। तो बत्तीस का ए हो जाएगा इसका आंसर अब अगला क्वेश्चन है तैतीसवा इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं इक रीलिरिक तो रीलिरिक होगा रीलिरिक तो इसमें इस कौन कौन सा आ जाएगा हर हर और हरसि तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चौतीसवा क्वेश्चन है इन प्रत्यहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण परिगणित किए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर सई ओ री ली एय तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चौतीस का पैतीसवा क्वेश्चन है महेश्वर सूत्रों में हकार आदि में आकार का प्रयोजन क्या होता है आकार तो इसका आंसर होगा तो देखिए उच्चारण के लिए होता है आकार का प्रयोग तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चारण अर्थ अर्थ मतलब उच्चारण के अर्थ में छत्तीसवां क्वेश्चन है प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं किया जाता तो प्रत्यहार में किसका ग्रहण नहीं किया जाता है सबको मालूम है इस संज्ञा का इस संज्ञा को हम छोड़ देते हैं और सब वर्ण ले लेते हैं अब सैंतीसवां क्वेश्चन है चर प्रत्यार में निम्नलिखित में वर्ण परिगणित है चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे तो सैतीस का डी हो जाएगा तो, तो, स अब अगला क्वेश्चन है अक, अक क्या है? तो अक क्या है अक प्रत्याहार है तो इसका आंसर होगा अक प्रत्याहार है प्रत्याहार में किन वर्णों का संग्रह है तो बर, में किन वर्णों का संज्ञा है तो और ये देखिए दो विशेष प्रत्यहार हैं तो उसी में से रौ प्रत्यार में आते हैं टोटल बयालीस प्रत्यहार हैं लेकिन रॉ और ऐसे हाँ, दो हत्यहार हैं तो रॉ और लॉ के अंतर्गत आते हैं चालीसवा क्वेश्चन है रौ प्रत्यार को कौन स्वीकार करते हैं मतलब रौ प्रत्यार जो बनाए हैं इन चारों में से कौन से महापुरुष बनाए हैं तो भट्टो तो जी दीक्षित बनाए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा चालीस का ऑप्शन नंबर ए भट्टो जी दीक्षित इकतालीसवां है महेश्वर सूत्र की उपयोगिता क्या है महेश्वर सूत्र की उपयोगिता क्या है तो तीन वीडियो बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं प्रत्येहार के लिए तो इसलिए महेश्वर सूत्र की उपयोगिता क्या है प्रत्यार बनाने के लिए बयालीसवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से झस प्रत्योहार में कौन सा वर्ण नहीं आता झस प्रत्यहार में कौन सा वर्ण नहीं आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा यो यो क्योंकि संज्ञा क्या ये नहीं आएगा झवा य तैतालीसवा क्वेश्चन है गुण संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में गिनाए गए हैं गुण संज्ञक तो इसका आंसर हो जाएगा तैतालीस का ये प्रत्याहार में गुण संज्ञक वर्ण नहीं गिनाए गए हैं वृद्धि संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित है वृद्धि संज्ञक वर्ण तो चौवालिस का हो जाएगा एच प्रत्याहार मतलब वृद्धि संज्ञक ए का ऐ होता है ना आई और, और ये एच प्रत्योहार में अंदर आ जाएगा तो थैंक यू दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद